तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा मी टीवी के नए एंड्रॉइड 9 के अपडेट में 20 नए फीचर्स जो मिले वो कौन कौन से हैं, और आपको बता दूं ये थर्ड अपडेट है एंड्रॉइड 9 का, तो आपको बहुत कुछ नए फीचर्स इसमें देखने को मिलेंगे, बहुत सारे नई एप्लीकेशंस भी देखने को मिलेगी, तो इस वीडियो के एंड तक देखते रहिए। तो मेरा नाम है कुलभूषण और आप देख रहे हैं कीवर्ड। तो ये एंड्रॉइड 9 का थर्ड अपडेट है और ये तीसरी अपडेट वाली फीचर वीडियो है, इसमें तीसरी बार में नए फीचर्स ऐड करे गए। इससे पहले जो दो पार्ट थे उसी को मैं वीडियो के लास्ट में इंक्लूड करूंगा, लेकिन थर्ड एपिसोड में आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर क्या आपको नए फीचर्स देखने को मिलेंगे, और इसके बाद आपको बाकी पुराने वाले एंड्रॉइड 9 के फीचर्स दिखाऊंगा। अगर आपको एंड्रॉइड 9 का अभी अपडेट मिला है तो ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि इसमें लास्ट में भी मैं आपको एंड्रॉइड 9 के बाकी फीचर्स भी दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको देखने को मिलेगा कि इसमें आपको नवंबर का सिक्योरिटी पैच लेवल देखने को मिलेगा, और यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर न्यू वॉल्यूम का UI देखने को मिलेगा। तो अभी जो एंड्रॉइड 9 का अपडेट आया था उसमें आपको बीच में वॉल्यूम का स्लाइडर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अनोइंग था और आपके एक्सपीरियंस को काफ़ी बेकार बनाता है। लेकिन अब आपके राइट साइड में आपको ब्लू कलर का बार दिखेगा और इसमें आप 50% वॉल्यूम कर सकते हैं। पहले 100 था लेकिन नंबर इसका जो है वो 50 कर दिया, लेकिन साउंड उतनी ही रहेगी आपकी। और अगला है वो है आपका फ्री टीवी एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन नई देखने को मिलेगी जिसमें आप फ्री टीवी और फ्री शोज़ देख सकते हैं, ये है ट्यूबाई। तो आप इसमें नए शोज़ देख सकते हैं और मूवीज़ देख सकते हैं, और इसमें कोई मेंबरशिप लेनी नहीं पड़ेगी और ये बिल्कुल फ्री होगा। और इसमें आपको नई एप्लीकेशन जो देखने को मिलेगी वो एक और देखने को मिलेगी, वो है मीराकास्ट। आपको पता होगा मीराकास्ट क्या होता है, और ये पहले जो मी टीवी था जो कि स्टॉक एंड्रॉयड वाला नहीं आता था उसमें आपको देखने को मिलता था, लेकिन अब आपको इसमें मीराकास्ट की एप्लीकेशन देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से आपकी स्क्रीन कास्टिंग जो है वो काफ़ी ईजी हो जाएगी। और अभी जो एंड्रॉइड 9 का अपडेट आया था उसमें आपकी कास्टिंग में प्रॉब्लम थी, लेकिन वो इस अपडेट में सॉल्व हो चुके हैं। स्क्रीन कास्ट करने के इस वाले नए अपडेट के साथ आप 4 मेथड के थ्रू स्क्रीन मिरर और स्क्रीन कास्ट और क्रोम कास्ट वगैरह यूज़ कर सकते हैं। मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, वो वीडियो आप लास्ट में जाकर देख लेना, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो लिंक मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको एक और एप्लीकेशन देखने को मिलेगी हेल्प। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, अगर आपको मी टीवी के बारे में ज़्यादा नहीं पता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनेट से कैसे कनेक्ट करना है, रिमोट के क्या क्या फीचर्स है, स्क्रीन मिरर कैसे करनी है, स्क्रीन कास्ट कैसे करनी है, ऐप को इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कैसे करना है, सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। डेटा सेवर कैसे यूज़ करना है वो भी आपको दिख जाएगा किस तरह से यूज़ करना है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अमेज़ॉन प्राइम और आपको नेटफ्लिक्स की एप्लीकेशन, वो भी वर्किंग कंडीशन में देख सकते हैं। इसमें आपको नेटफ्लिक्स भी मिलेगा और अमेज़ॉन प्राइम वीडियोस भी देखने को मिलेगा। अब ये प्रॉपरली सपोर्ट करते हैं, इससे पहले भी एंड्रॉइड 9 के अपडेट में नेटफ्लिक्स आया था लेकिन वो सही से नहीं चलता था, उसमें कभी क्रैश हो जाता था, कभी साइन इन करने में प्रॉब्लम होती थी। और यहाँ पर इसके अबाउट में भी आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स का आपको सर्टिफिकेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, मतलब ऑफिशियली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसमें आपको एक और नई एप्लीकेशन देखने को मिलेगी, वो है व्यू फोन मीडिया। तो ये व्यू फोन मीडिया जो था वो लास्ट एंड्रॉइड 9 के अपडेट में आया था, जिसके थ्रू आप अपने जो गूगल फाइल्स गो है और आपका जो फोटोज़ एप्लीकेशन है गूगल का, उसके थ्रू आप इसमें फाइल्स को जो है वो कास्ट कर सकते हैं, फोटोज़ और वीडियोज़ को। और इस अपडेट में आपको सेटिंग्स में दिखाता हूँ एक नया ऑप्शन ऐड करा गया है जो कि डिवाइस प्रेफरेंसेस में है, वो है आपका टीवी लॉक। तो अब आपको अपने टीवी में लॉक लगाने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर दिखेगा टर्न ऑन टीवी लॉक। अब आप कहेंगे रिमोट में तो नंबर है ही नहीं, लेकिन इसमें आपको अप डाउन और लेफ्ट राइट के बटन से पासवर्ड सेट कर सकते हैं। मैंने अप बटन प्रेस करा तो ये हो सकता है, आप देख सकते हैं अप हो गया, राइट करा है तो राइट हो गया, लेफ्ट करा है लेफ्ट, और डाउन हो गया तो डाउन। इस तरह से हम सेव कर सकते हैं, जब भी अनलॉक करना होगा इस तरह का आपको कॉम्बिनेशन रहेगा, लेफ्ट राइट अप डाउन, इस तरह से आप इनके कॉम्बिनेशन से पासवर्ड बना सकते हैं। और यहाँ पर आपको रिसेट करने का भी ऑप्शन मिलेगा, सिस्टम डेटा रिसेट जो होता है आपका, फैक्ट्री रिसेट, और यहाँ से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं अगर आपने चेंज नहीं करा है तो। अब मैं आपको बता दूं लास्ट दो अपडेट जो आए थे एंड्रॉइड 9 के उनमें क्या क्या नए फीचर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर एंड्रॉइड ओरियो से अभी 9 में अपग्रेड करा है, अपडेट करा है, तो आपको ये नए फीचर्स देखने को मिलेंगे। अब आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर आपको सेटिंग्स का जो UI है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है एंड्रॉइड 9 वाला। इसमें आपको ब्लू कलर के टेक्स्ट देखने को मिलेंगे और इसका जो बैकग्राउंड है वो कम्प्लीटली ब्लैक है। पहले आपका थोड़ा ग्रेश सा था लेकिन अभी भी ग्रेश है, लेकिन इसमें डार्कनेस ज़्यादा है। कैटेगरी इसमें डिवाइड कर दिया गया है, आप देख सकते हैं काफ़ी कम सेटिंग्स हैं लेकिन उनको कैटेगराइज कर दिया गया है। आप देखेंगे नेटवर्क एंड नेटवर्क में आपको कोई नए ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, और इनपुट में आपको वही ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, स्टे ऑन प्रीवियस सोर्स भी आपको देखने को मिलेगा अगर आपको पहले नहीं मिला था। डिवाइस प्रेफरेंसेस में आपको बहुत सारी सेटिंग्स डाल के दे दी है।
नेटवर्क एंड इंटरनेट में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा, डेटा सेवर। तो अगर आप स्मार्टफोन के हॉटस्पॉट से यूज़ करते हैं या फिर कैसे आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो आप इसको डेटा सेवर को ऑन कर सकते हैं और आपका ये 3 times तक आपका डेटा सेव करेगा। और इसमें आप अलर्ट भी लगा सकते हैं कि इतने MB यूज़ होने के बाद आपको नोटिफाई कर दिया जाए कि आपने इतने MB यूज़ कर लिया है। तो अगर आप इसको ऑन करके इसमें कंटेंट देखेंगे ऑनलाइन तो आपका डेटा काफ़ी सेव होने वाला है। और यहाँ पर आपको जो नया ऑप्शन देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा अबाउट सेक्शन में। तो यहाँ पर आपको नेटफ्लिक्स का सर्टिफिकेशन देखने को मिल जाएगा जो कि मैंने आपको पहले दिखा दिया था। और यहाँ पर आपको साउंड्स में भी नए ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको पावर का भी नया ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसमें आप स्टैंड बाय लाइट को ऑन कर सकते हैं। और यहाँ पर साउंड में भी नए ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप स्पीकर सेलेक्ट कर सकते हैं, टीवी का स्पीकर यूज़ करना है या SPDIF यूज़ करना है। तो अब आपको बार बार स्विच नहीं करना पड़ेगा अपने साउंड बार और टीवी स्पीकर में, अगर आप मल्टीपल स्पीकर्स यूज़ करते हैं। उसमें पहले आपको केबल निकालना पड़ता था, तो इस बार आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहीं से स्पीकर सेलेक्ट कर सकते हैं। AGC का भी आपको नया ऑप्शन देखने को मिलेगा। और साथ में यहाँ पर आपको ऑडियो डिले का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आपका साउंड बार है या फिर केबल है उसमें ऑडियो डिले हो रही है, वीडियो पहले चल रही है, ऑडियो थोड़ी कुछ सेकंड बाद में चल रही है, बाद पहले चल रही है, तो आप उसको यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं मैनुअली। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टीवी मोड। अगर आप घर में यूज़ कर रहे हैं नॉर्मली तो आप इसको होम मोड कर सकते हैं, और अगर शॉप में रखा है तो आप इसको स्टोर मोड कर सकते हैं, ताकि इसके कुछ कुछ फीचर्स जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे और ये आपके स्टोर या शॉप के हिसाब से ये मॉडिफाई हो जाएंगे आपके। और यहाँ पर आपको टीवी लॉक जो मिलता था वो मैंने आपको दिखाई दिया था। तो ये कुछ नए फीचर्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं। और साथ में यहाँ पर ब्लूटूथ एक्सेसरीज में देखने को मिलता है भारी ऑप्शन। तो यहाँ पर आप अपनी ब्लूटूथ के जितने भी एक्सेसरीज हैं, जितने भी आपके स्पीकर, हेडफोन, ईयरफोन्स वगैरह, रिमोट वगैरह, यहाँ पर आप उनको ऐड कर सकते हैं। तो ये भारी ऑप्शन डाल दिया गया है क्योंकि आप इजीली इसको स्विच कर सकते हैं। और पैच वॉल में भी आपको देखने को मिलता है लाइट मोड। वैसे ये इस अपडेट में नहीं था, एंड्रॉयड 9 के पैच वॉल ऑटोमेटिकली अपडेट हो गई थी। तो आप इसको यहाँ पर सेटिंग्स में जाकर इसको थीम को जो है वो स्विच कर सकते हैं, डार्क में कर सकते हैं या फिर लाइट में कर सकते हैं। तो ये नए फीचर्स थे लगभग 20 जो कि आपको एंड्रॉयड 9 के अपडेट में देखने को मिलता है। इसके अलावा और भी वीडियोस आने वाली है मी टीवी की, तो आप चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। और ये मैंने स्क्रीन कास्टिंग वाली वीडियो बनाई थी, आप ये वीडियो भी देख सकते हैं।